पहले चरण के चुनाव के बाद ही बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उछाल दिया था, जो पांचवें चरण के बाद भी जारी है। अब बीजेपी ने मनमोहन सिंह के बाद राहुल गांधी का 11 साल पुराना एक बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और पीएम ने इसी बयान का जिक्र कर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। हम देंगे मुसलमान भाइयों को आरक्षण, देंगे शामिल करेंगे इनको। 24 का चुनाव मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खुलकर मुसलमानों को आरक्षण देने के विरोध में उतर आई है। बीजेपी की तरफ से इसकी कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद से ही पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया और तभी से पीएम मोदी चुनावी मंचों से खुलकर कहते आ रहे हैं कि जब तक वो जिंदा हैं, तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देंगे। बीजेपी अपने वीडियो लाइब्रेरी से कांग्रेस के ऐसे ऐसे बयान सोशल मीडिया पर साझा कर रही है जो करीब एक दशक पुराने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वीडियो के बाद अब बीजेपी ने राहुल गांधी का करीब 11 साल पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें वो चुनावी मंच से मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं और इसी बहाने समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया मुलायम सिंह यादव पर निशाना साध रहे हैं। आरक्षण के बाद भाई मुलायम सिंह यादव गुजराती तीन बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। पूछा भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो, सन्नाटा जैसे अभी खड़ा हुआ है, सन्नाटा ऐसे। दो तीन बार पूछा सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है हम देंगे मुसलमान भाइयों को आरक्षण, देंगे शामिल करेंगे इनको। मुलायम सिंह जी खड़े होते कहते भैया अगर मैं होता मैं ज्यादा करता, मगर आप थे तीन बार थे क्यों नहीं किया। बीजेपी ने राहुल के इस वीडियो के साथ पीएम मोदी का भाषण भी जोड़ दिया है, जिसमें पीएम मोदी राहुल गांधी के इस बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। सोमवार को बंगाल के झारग्राम में रैली के दौरान पीएम मोदी ने राहुल के इस बयान का जिक्र किया था। पीएम ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर किस अंदाज में हमला बोला, सुनिए जरा। वीडियो 11-12 साल पुराना है, ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस का असली चेहरा, असल सच्चाई बताया और कहा कि कांग्रेस के नेता 100% सांप्रदायिक हैं। बहुत सारे मीडिया में इंटरव्यू प्रेस में दिए और हर टीवी वाला आता था मुझे पूछता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा है। आज मैं बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं, शहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यानी इन लोगों में तीन बुराइयां साफ है। एक, ये इंडिया अलायंस वाले कांग्रेस वाले उनके साथी पूरी तरह 100%
ये कम्युनल है, ये भारत की बिन सांप्रदायिकता के संविधान के घोर विरोधी है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। और तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। बीजेपी का आरोप है कि देश का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की छूट नहीं देता, तो फिर कैसे कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही? और सरकार में आने पर कर्नाटक में मुसलमानों को पिछले दरवाजे से आरक्षण भी दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को 23 अप्रैल को अपनी एक रैली के दौरान चैलेंज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी लिख कर दे कि वो कभी भी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण नहीं छीनेगी और यह आरक्षण मुसलमानों को नहीं देगी। झारग्राम की रैली में पीएम ने कांग्रेस को अपने उस बयान की याद दिलाते हुए ये कहा कि 27 दिन बाद भी कांग्रेस ने उस चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया है और कांग्रेस जवाब देगी भी नहीं। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में हरियाणा में उन्होंने भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के संकल्प को लेकर के संवाद किया। उन्होंने रोहतक में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों को मोदी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरियाणा के रोहतक से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं सतीश पुनिया आपको नजर आ रहा है। उन्होंने मुलाकात भी की है मोदी सरकार की, जो उपलब्धियां है वो उन्होंने बताया है। चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से सतीश पुनिया जुटे हुए हैं।